पूरे विश्व में आज हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस पर्व मनाया गया है। इसी कड़ी में रीवा में भी क्रिसमस पर्व मनाया गया। क्रिसमस से 12 दिन के उत्सव क्रिसमस टाइड की भी शुरुआत होती है। एन्नो डोमिनी काल प्रणाली के आधार पर यीशु का जन्म 7 से 2 ईस्वी के बीच हुआ था। 25 दिसंबर यीशु मसीह के जन्म की कोई ज्ञात वास्तविक तिथि तो नहीं है और लगता है कि इसी तिथि को रोमन पर्व से संबंध स्थापित करने के आधार पर चुना गया है। दुनिया भर के अधिकतर देशों में ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर को ही जर्मनी तथा कुछ अन्य देशों में इससे जुड़े समारोह शुरू हो जाते हैं। ब्रिटेन और अन्य राष्ट्रमंडल देशों में क्रिसमस से अगला दिन यानी 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। कुछ कैथोलिक देशों में इसे सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ सेंट स्टीफन भी कहते हैं। पूर्वी परंपरागत गिरजाघर जो जूलियन कैलेंडर को मानता है, वो जूलियन वेर्सियो के अनुसार 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाता है। वो ज्यादा काम में आने वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर में 7 जनवरी का दिन होता है, क्योंकि इन दोनों कैलेंडरों में 13 दिनों का अंतर होता है। इसी कड़ी में आज रीवा में भी क्रिसमस पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आइए आपको भी लिए चलते हैं इस उत्सव में। विशेष करके कृष्ण जयंती की जो आराधना होती है वो 10 बजे से लेकर तो अभी जब तक चलती तब तक चलती है और काफ़ी भीड़ आप लोग देख रहे होंगे। और ख़ास करके कृष्ण जयंती की प्रार्थना महत्व होता है कि जो प्रभु ने हमारे ऊपर प्रेम किया और उसके कृष्ण जयंती मनाना हमारा कर्तव्य है, उसके चेले होने के नाते, शिष्य होने के नाते, उस कारण लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस बार क्या खास है? खास अभी पहली बार मैं देखा अपने जीवन में सबसे अधिक भीड़ जो है पहली बार अपने जीवन में देख रहा हूँ। और ख़ास करके जो कार्यक्रम होता है, पहले वर्शिप, उसके बाद प्रीतिभोज होता है, लोग एक दूसरे से मेल मिलाप अभिवादन करते एक दूसरे का और आपकी खुशी मनाते हैं, केक बांटते हैं। आज केक यानी जो है एक प्रसाद के रूप में हम लोग केक लोगों को देते हैं और लोग बड़े खुश हैं, आनंदित हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम सब मेल मिलाप के साथ यहाँ पर प्रभु का वचन देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सुना भी रहे हैं। कोविड के बाद पहली बार इतनी भीड़ आई है? हाँ, पहली बार, और इसके शायद ये प्रार्थना के लिए इतनी भीड़ आई है, लेकिन इसके बाद रात के 12-1 बजे तक लगभग 7-8 हज़ार के ऊपर लोग यहाँ दर्शन के लिए आएंगे आज। तो हम उनका स्वागत करते हैं और चाहते हैं उनसे कि हम सब मिलकर इसी प्रकार के त्यौहार मनाते रहते हैं ताकि हमारे में एकता रहे, हम मेल मिलाप करके एक दूसरे के साथ रह सकते हैं।